आप किसी भी डी में काम करें ऑब्वियसली उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बहुत लोगों ने आपको नल टेस्ट करके भी दिखाया होगा बहुत सारी चीजें बताई होंगी फिर भी आपका मन कहीं ना कहीं लगता है कि अरे यार एफ एल स्टूडियो में जब मैं रिकॉर्ड करता हूं तो कुछ मेरा जो साउंड है वोकल्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ मतलब भरा भरा सा आता है अच्छा आता है क्यूबेस में ऐसा करता हूँ अगर मैं तो ऐसा कुछ रिजल्ट मेरे को नहीं मिल पा रहा है क्या ये बात वाकई में सच है और अगर हो रहा है आपके साथ तो क्यों हो रहा है वो बात को हम समझेंगे ठीक है हाय मेरा नाम है अरिजीत शाह एंड वेलकम टू अ बेटर म्यूजिशियन एवरीडे और जैसा कि आप जानते हो कि मैं ऑल सोर्ट्स ऑफ डी इस्तेमाल करता हूं चाहे वो क्यूबेस हो चाहे एफ स्टूडियो हो चाहे लॉजिक प्रो अमूमन मैं सबसे ज्यादा लॉजिक प्रो इस्तेमाल करता हूँ बट मेरा सेकंड फेवरेट आई वुड से क्यूबेस सेकंड फेवरेट क्योंकि मैं आजकल कम फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल करता हूँ मोस्टली कुछ क्लासेस uh, वगैरह के लिए या कुछ सिखाने समझाने के लिए बट मेरा मेजर प्रोडक्शन मैं लॉजिक में करता हूँ तो उस पर मेरा हाथ ऑब्वियसली जिसपे आप ज्यादा काम करते हो तो उस पर ज्यादा तेज चलता है और एजुकेशनल पर्पसेस के लिए ही मैं एफ स्टूडियो भी इस्तेमाल करता हूँ एफ स्टूडियो का प्रॉपर करिकुलम भी बनाया हुआ है अभी रिसेंटली भी मैंने पूरा एक फाइव आवर का वर्कशॉप डाला इसके अलावा मैंने बहुत सारे और ट्यूटोरियल्स डाले हैं लाइक कि लाइव गिटार को कैसे रिकॉर्ड करके उसके ऊपर मैं कैसे वोकल करते हैं जिसके बारे में प्रैक्टिकल टिप्स एंड ट्रिक्स जो एक्चुअली मैं आपको समझना चाहिए वो सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ चाहे इधर इट बी लाइक बॉलीवुड स्टाइल का गाना बनाना हो तो क्या वर्क फ्लो होना चाहिए सारी चीजें तो एनी जब आप एफ स्टूडियो खोलते हैं और यहाँ पे बाई डिफॉल्ट आपका जो सेटिंग रहता है उसमें अगर आप जाएंगे जो कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि छोटी मोटी जो चीजें हैं इनका ख्याल नहीं रखते कि यार मैं जब जाऊं तो अपना ऑडियो इंटरफेस जो है उसका डिवाइस का जो सेटअप है वो प्रॉपरली कर लूं अपने इसको 48 एट किलो हर्ड्स पर डाल लूं ये इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं क्वालिटी से लेकर के ये सारा चीज समझने वाला बात है उसके बाद जब मैं अब सॉफ्टवेयर खोलता हूँ तो क्या होता है उसका फॉर से जब आप पहली बार एफ स्टूडियो का इस्तेमाल करते हो तो यहाँ पे एम प्रोजेक्ट नहीं रहता है आप जब उसको डिफॉल्ट टेम्पलेट आपका डिफॉल्ट टेम्पलेट आपका ऐसा रहता है कुछ समवेयर मिनिमल में जा कर के बेसिक 808 टू एट विथ लिमिटर तो ऑब्वियस ऑबियसली बात है ना जब आप ये वाला टेम्पलेट है उसके साथ में खुला हुआ है आप इधर आ रहे हो आपका मास्टर बस पे यहाँ पे ऑलरेडी लिमिटर लगा हुआ है एफएल स्टूडियो का तो जब आप वोकल रिकॉर्ड करोगे तो लिमिटर के थ्रू पुश होता हुआ और आपको लाउड सा साउंड करेगा तो इसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा कि यार जब मैं एफ स्टूडियो में रिकॉर्ड करता हूँ तो मेरा वोकल थोड़ा सा उठा हुआ आता है और जब मैं यहाँ पर रिकॉर्ड करता क्यूबेस uh, में और इसका बेसिक टेम्पलेट में इस आप देखोगे तो हमने जो सेटिंग करी हो कैसी है एम है और डिफॉल्ट प्रोजेक्ट में क्या है जब होता है तो डिफॉल्ट टेम्पलेट से स्टार्ट करो और डिफॉल्ट टेम्पलेट जो है मेरा वो है एम एडवांस में जाकर के यहाँ पे आकर के भी किधर कि मिनिमल एंड बेसिक बेसिक वेसिक कुछ नहीं सीधे एम ठीक आप अपने टेम्पलेट्स भी बना सकते हो इसकी तरह के से तो ठीक है सीधे सीधे एक रिकॉर्डिंग टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो वोकल है वो कैसा आता है राइट क्लिक एंड ये यहाँ से मैंने माइक ले लिया इसका ऑडियो का कन्फिग्रेशन मोनो क्योंकि ऑब्वियसली सिंगल चैनल माइक है हमारा और यहाँ पे मैं अपना पिच करेक्टर लगा लेता हूँ गाना है मेरा जी पे यहाँ पे भी आप मार्क करके रख सकते हो ठीक जी फिलहाल मेजर पे ठीक है आपको कोई भी सारा कोई भी ऐसे जो टूल्स है उसके बारे में जानकारी चाहिए इस चैनल पे आपको हर टाइप की चीज़ मिल जाएगी प्रॉपर्ली ट्यून कैसे करते हैं क्या नहीं ठीक इसके अलावा डेडिकेटेड कोर्सेज एंड करिकुलम्स भी है बेटर म्यूजिशियन एवरी डे पे एंड इंडीड अगर आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए स्टेप बाई स्टेप कैसे आगे बढ़ना है तो उससे आपका जो स्पीड है और परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज तो हो ही जाता है एनी ये हमने ले लिया है तेरे बिना इतना तो कर लिया क्योंकि मेरा एंट्री तो बस यहाँ तक का है एक बार ही तेरे जे आना चाहे क्योंकि सीधे सीधे इसको यहाँ से रिकॉर्ड करने में दिक्कत आती है तो एनीवेज ये आ गया एंड लेट मी जस्ट फिर तो अब एग्जैक्टली exactly सेम यही जो कॉर्ड्स है आपके आपके हाथ में ये आपने सुन लिया है ये कैसा है अब दोबारा से कंपेयर भी करेंगे मैं यहाँ से यहाँ तक मार्कर लगाता हूं इसको करता हूँ सोलो बाउंस करता हूँ इसको किया है इसे डाल लेते हैं और डालने के बाद में यहाँ आए यहाँ आए एक्सटर्नल इफेक्ट्स ऑनली एंड मॉनिटरिंग जो है ऑफ कर दी है और इसके बाद में यहाँ ले लेते हैं एनालॉग इनपुट वन सेम लेवल जा रहा है अभी देख लेंगे एकदम दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा क्या रिजल्ट है ठीक है तेरे बिना ओके सो ताकि आपको ये साउंड प्रॉपरली सुनाई दे लेट मी पुट इट दिस वे विद ट्रैक विदाउट द ट्रैक भी सुन लेंगे और क्यूबेस वाली जो रिकॉर्डिंग है उसको भी सुन लेंगे राइट एंड वी विल कंपेयर तेरे बिना जिया ना तेरे बिना क्या करू है तेरे बिना पागल पागल सा मैं फिर ठीक है नाउ कमिंग हियर तेरे बिना जिया ना चाहे तेरे बिना क्या करूं है तेरे बिना पागल पागल सा मैं फिर सी बात है रिकॉर्डिंग की क्वालिटी एग्जैक्टली सेम है अब मैं दो बार गाऊंगा चार बार गाऊंगा तो एग्जैक्टली exactly सेम तरीके से तो नहीं गा पाऊंगा जैसे कि मैंने पहली बार ये गाया तो मेरे को ज़्यादा टुकड़े में गाना पड़ा सेकेंड टाइम में मेरे को थोड़ा कम एफर्ट लगा ये गाने में बट एनी ट्रैक को बंद करते हैं यहाँ पर भी और यहाँ पे भी और तसली के लिए खाली खाली सोलो वोकल सुनते हैं तेरे बिना जिया ना चाहे तेरे बिना क्या करूँ हाँ है तेरे बिना पागल पागल सा मैं फिर तेरे बिना जिया ना चाहे तेरे बिना क्या करूँ हाँ है तेरे बिना पागल पागल सा मैं फिरूं पागल पागल सा मैं हियर पागल पागल सा मैं फिरूं क्वालिटी का ऐसा जैसा कोई डिफरेंस नहीं है अब दो बार गाऊंगा तो एग्जैक्टली exactly सेम तरीके से नहीं डिलीवर हो पाएगा और इस वाले मटेरियल को वहां कॉपी कर देंगे उस वाले मटेरियल को यहां कॉपी कर देंगे तो मेक अ डिफरेंस सो जो आपको सहूलियत होता है आप उसमें करिए इसमें भी करना है तो आपको बहुत तरीके से वर्क फ्लो बिल्ड करना पड़ेगा कि कैसे ये जो आप मल्टीपल वोकल्स रिकॉर्ड करेंगे अभी जैसे ये रिकॉर्ड किया तो इसके नीचे और लेयर्स कर सकते हैं सारी चीज़ें हाँ क्यों जैसे सॉफ्टवेयर में ये फ़ायदा है कि आपका मिक्सर और वो सारी चीज़ें जबकि ट्रैक्स सब कुछ लिंक्ड है प्रॉपर तरीके से तो आपने टक टक ठक टक 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 रिकॉर्डिंग करी उनको ग्रुपिंग करी और वो किया और बस डन मिक्स करा निकाला इसके साथ में ये है कि आपको जो है फिर ये सब ऑडियो ट्रैक या ये जो प्लेलिस्ट में जो सारी चीज़ें हैं उनको फिर प्रॉपरली मिक मिक्सर पे असाइन करना है, फिर एक मिक्सर को फिर दूसरे में असाइन करना है तो खुद से थोड़ा ऑर्गेनाइज करना पड़ता है कई बार ये ऑर्गेनाइज करते वक्त थोड़ा इधर उधर ग्लिच हो सकता है तो उसका आपको ख्याल रखना है बट एनी दोनों ही सॉफ्टवेयर में आपको एग्जैक्टली सेम रिजल्ट आएंगे और इस बात के साथ और इस उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा मैं अरिजीत साह लेता हूँ आपसे इजाजत बच जाने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग थ्री मंथ्स का म्यूज़िक प्रोडक्शन मिक्सिंग मास्टरिंग वाला जो हमारा करिकुलम होता है अगला जो बैच सितंबर से शुरू होने वाला है उसके रजिस्ट्रेशन चालू हो गए हैं अगर आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो ना और आपको लगता है कि यार ये स्टूपिट से चीज़ों में मैं फंसा हुआ हूँ कि कौन सा डॉ इस्तेमाल करें क्या है नहीं है उस तरीके से मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है पूरा का पूरा आपका जो स्किल है ना कि आप कितना अरेंजमेंट अच्छा करते हो अलग अलग टाइप के गाने के हिसाब से अच्छा अरेंजमेंट करना पड़ेगा अलग अलग टाइप के गाने के हिसाब से साउंड सिलेक्शन कहाँ से कौन सा निकालोगे फिर उसकी प्रोसेसिंग कैसे करोगे वोकल्स को और अच्छी तरीके से डिलीवर कैसे करोगे और इन सब स्टेप्स में कहीं पर भी गलती होता है तो कोई एक होना चाहिए ना देख करके आपको बता दे कि यार आपको क्या बात है जो नहीं समझ में आ रहा है या वो क्या रॉन्ग कॉन्सेप्ट है जिसपे आप पूरा का पूरा अपना एनर्जी झोंक दे रहे हो ये जितने भी लोग सेशंस करने आते हैं मेरे साथ में इन सभी के साथ काम करने से मैं ये बिल्कुल समझ पाया हूँ कि इंटरन ट से जब आप यू you नो know, इधर उधर से चीज़ें सीख रहे हो समझ रहे होते हो ना जो क्रूशल चीज़ें हैं ना वो आपकी कई बार छूट जाती हैं और फालतू की चीज़ों में आपका एनर्जी लग जाता है बहुत छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जो आपको लगता है कि यू नो इम्पॉर्टेंट है आपको सही तरीके से उसका मायने नहीं समझ में आता है वो आपको प्रॉपरली हैंड होल्ड करके प्रोडक्शन मिक्सिंग मास्टरिंग हर चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दी जाएगी क्योंकि हर अलग टाइप के प्रोडक्शन uh, के लिए भी एक अलग टाइप का मिक्सिंग और उसके लिए एक अलग टाइप का मास्टरिंग का टेक्निक का जरूरत पड़ेगा यस yes, इंडीड आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है और एकदम स्काई रॉकेट हो जाएगा आपका लर्निंग कव एंड वंस अगेन थैंक्स फॉर बिंग पार्ट ऑफ दिस मिशन टू बी अ बेटर म्यूजिशियन एवरीडे दिसरी साह बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार